हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज के टॉपिक आपने टाइटल देख लिया होगा। जो आज का टॉपिक है ये जो 17.1 जो नया अपडेट आउट हुआ थोड़े दिनों पहले, उसका रिव्यू है। इंस्टॉलेशन वीडियो मैंने इसकी पहले से बना रखी है। इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल दिस रोम, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। बट बिफोर दैट गाइस, न्यू वीडियो है जो इसकी मेन आपको देखनी है भाई। एक तरह से गाइस ये रोम है जो स्टेबल यूज़ के लिए सबसे परफेक्ट है, नॉट फॉर परफॉर्मेंस। अगर गेमिंग के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो वो ठीक नहीं है, बट अगर आपको डे डर की तरह कोई रोम चाहिए तो भाई ये सबसे बेस्ट है। तो और आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इस रिव्यू वीडियो में। इन्हें जो इसकी 17.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू फॉर आर मी हेवन। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं करा है। और एज ऑलवेज अगर वीडियो है तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना और वीडियो को शेयर करना भूलना। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको यहाँ पे अबाउट फोन के सेक्शन आपको दिखा देता हूँ मैं। सो ये रहा आपका एंड्रॉयड वर्जन 10 लेने जो 17.1। कर्नल वर्जन वही है आपका यहाँ पे 4.9 प्रो प्लस, मतलब एक तरह से स्टॉक कर्नल है। कर्नल वर्जन भी कर्नल भी चेंज कर सकते हो। डीपी हो गया, परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा आपको अच्छी इसमें परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए इतनी खास नहीं। बट स्टिल बहुत लोग मेरे से पूछते भाई कोई अच्छी खासी डिसेंट रोम बताओ जिसमें आपको मेन बैटरी अच्छा मिले और ठीक ठाक स्टेबल यूज़ के लिए हुए। तो गाइस वो ये रोम सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब मैंने आपको याद होगा अप्रॉक्स थोड़े दिनों के कम से कम 4 से 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लेने जो उसकी 17.0 की, उसकी इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई थी और प्लस रिव्यू वीडियो मैंने बनाई थी। उससे मैंने कहा था कि वो उस टाइम का फर्स्ट इनिशियल बिल्ड है और आपका इनिशियल बिल्ड है मतलब पहला बिल्ड है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड क्यू लेने जो उसका 17.0 का। तो उस टाइम इतनी खास नहीं थी वो एज अ डेली ड्राइवर की तरह, बट अब वो ठीक ठाक है। ये वाली जो 17.1 ये अब ठीक ठाक है भाई डी डी आर की तरह। तो बहुत इसमें आपको फीचर्स तो नहीं, बट एक्सप्लेनेशन अच्छा ट्राई करूँगा देने के लिए। तो यहाँ पे आपको लेने जो है 17.1 एंड्रॉयड वर्जन भी आपका एंड्रॉयड क्यू है। कर्नल आप चेंज कर सकते हो, डीपी हो गया, लाइटनिंग हो गया और हेलीफैक्स भी ठीक ठाक कर लिए। 3 कर्नल अगर आपको करने हैं तो कर सकते हो, बट जो मैं आपको रिकमेंड करूँ भाई लाइटनिंग या डीपी यूज़ करना। और डीपी करोगे तो 60 हर्ट्ज़ वाला करना प्लीज़, ओसी डिस्प्ले ओसी वाला मत करना, मतलब 65 हर्ट्ज़ वाला मत करना, कहने का मीनिंग है। सो फटाफट यहाँ पे अवार्ड सेक्शन में चले जाते हैं इसके, फटाफट इसके डिस्प्ले सेक्शन में, जो भी इसके फीचर्स हैं। नेटवर्क सेटिंग में आता कुछ नहीं ज़्यादा, कनेक्टेड डिवाइस में कुछ नहीं है, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, बैटरी ठीक ठाक है। मैं वही कह रहा हूँ डेली ड्राइवर की तरह भाई कोई दिक्कत नहीं है इस रूम। यू कैन यूज दिस रूम एज अ डेली ड्राइवर ऑन मी एवन, यू विल फेस नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम, कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी वाइल यूजिंग दिस रूम ऑन मी एवन। सो फटाफट यहाँ पे डिस्प्ले में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डार्क थीम आपका वर्किंग है, आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डार्क थीम है यहाँ पे आपके में, डार्क थीम यहाँ पे आपका वर्किंग है। लाइव डिस्प्ले इज ऑल्सो यस वर्किंग, सो आपका इधर नाइट लाइट भी वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हो आपका नाइट लाइट भी इधर आपका वर्किंग है। सो बैक आने फटाफट एडवांस में, और यस टैप टू वेक भी आपको वर्किंग है, टैप टू स्लीप भी, वेक ऑन प्लग भी वर्किंग है और प्रिवेंट एक्सीडेंट वेकअप, ये चारों जो फीचर्स है इसमें वर्किंग है। कोई बग नहीं है यार, कोई सिंगल बग नहीं है। हाँ एक बग है, वो है सिर्फ बग नहीं कहलाऊंगा मैं, वो सारी एंड्रॉइड क्यू की रूम्स में, वो है आपका नेटिव वीडियो कॉलिंग इज नॉट वर्किंग ऑन दिस रूम। बट दिस प्रॉब्लम इज ऑन ऑल एंड्रॉइड क्यू रूम्स ऑन आर मी एवन, नेटिव वीडियो कॉलिंग इज नॉट वर्किंग। तो ये सारी एंड्रॉइड क्यू की रूम्स में है, कोई ये स्पेसिफिक रूम में नहीं है। हाँ अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मियो 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड पाई, उसमें नेटिव वीडियो कॉलिंग वर्किंग है, पाई में वर्किंग है, बट एंड्रॉयड क्यू में वर्किंग नहीं है गाइस। सो फटाफट यहाँ पे फटाफट ये आपका डिस्प्ले का हो गया, डिस्प्ले डार्क थीम यस, ये सारा इधर आपका वर्किंग है। बैक आने के बाद डिस्प्ले साउंड का ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टोरेज का भी कुछ नहीं है। हाँ एक और वन मोर थिंग गाइस, फिंगरप्रिंट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड एंड नॉट फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक गाइस आपका इधर है, टोटली रिमूव कर रखा है। आपको पता है गूगल की ने एंड्रॉयड क्यू की रोम्स में उसको टोटली रिमूव कर दिया था। हाँ अगर डेवलपर अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करे तो सही है, कोई रोम्स में है, बट इस रोम में डेवलपर ने इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा है और प्लस गूगल ने भी रिमूव कर रखा है, आपको पता होगा एंड्रॉयड क्यू की रोम्स में। तो यस आपका जो फेस अनलॉक है वो इधर टोटली रिमूव है, उसका कोई बग नाम हम नहीं कहेंगे क्योंकि भाई वो गूगल ने रिमूव करा है, तो इधर कोई बग नहीं होगा। बट यू कैन यूज़ गाइस फिंगरप्रिंट आप यूज़ कर सकते हो, बट फेस अनलॉक विल बी नॉट प्रेजेंट इन दिस रूम गाइस, बिकॉज यू नो गूगल हैज़ रिमूव्ड जितनी भी आपकी एंड्रॉयड क्यू की रूम्स हैं। और यहाँ पे तो बस यही आपको मेन चीज़ यहाँ पे बतानी थी सिक्योरिटी में जो आपका है। सो फटाफट यहाँ पे आपका अकाउंट हो गया, डिजिटल वेलबिंग हाँ आपका यहाँ पे वर्किंग, कोई इधर दिक्कत नहीं डिजिटल वेलबिंग में आपके। और इधर आपका गूगल का हो गया, हाँ मेन फटाफट एक बार आते हैं सेटिंग्स में और इधर बटन्स में चले जाते हैं। इधर आपका हाँ इनेबल, अगर नेविगेशन बार करना है आप डिसेबल इनेबल यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको ब्लैक लाइट अभी जो भी इसकी मतलब ब्लैक लाइट 5 सेकंड पे रखनी है, 10 सेकंड पे रखनी है, वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बट मैं नेविगेशन
बारी बारी यूज़ करूँगा। और फटाफट अभी आपकी सिस्टम प्रोफाइल्स हो गई, जैसे कि आपको मतलब फ़ोन को साइलेंट पर रखना है या डिफ़ॉल्ट या ऑटो वाइल, ये ठीक ठाक है, ये मतलब अच्छी लगती है। जो इसके बाद भाई बहुत स्टेबल रोम होती है, ये डिसेंट है, ठीक ठाक है। हाँ परफॉर्मेंस नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कोई ऐसी रोम चाहिए मियन के लिए विदाउट गेमिंग, देन दिस रोम विल बी द परफेक्ट गाइस फॉर एज अ डेली ड्राइवर फॉर डिसेंट। आप यूज़ कर सकते हो अपने मियन पे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पे। और फटाफट ये रहा आपका, यहाँ पे गैशेज में चल जाते हैं एक मिनट, आप जो आपको इसे दिखाता हूँ मैं स्टेटस बना करें, यहाँ पे जो भी आपने चेंज करना कर सकते हो, जैसे नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर हो गया, जैसे मैंने अभी ऑन कर रखा है, एक मिनट, अपलोड ओनली जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, या अपलोड एंड डाउनलोड दोनों यहाँ पे आपका आ जाएगा। और सिस्टम आइकन्स में जो भी आपने चेंज करना है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ऑटो रोटेशन जैसे आपने ऑन करना कर सकते हो, बैक आना है, बैक आने के बाद एक मिनट आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, सिस्टम आइकन से हो गए इधर आपके। हाँ अगर जो आपकी क्लॉक की पोजीशन है राइट करनी है या लेफ्ट करनी है उधर से आप कर सकते हो, तो सिंपल है कोई लॉ। और ये AM/PM को जो मैं करके, हाँ बैटरी स्टेटस, ये छोटी मोटी चीज़ें है कि भाई थोड़ा अच्छी खासी आपको कस्टमाइजेशन का भी एक छोटा सा ऑप्शन दे रखा है स्टेटस बार का, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो। ब्राइटनेस स्लाइडर का भी जैसे मैंने शो ऑलवेज कर रखा, जैसे ही मैं हल्का सा स्लाइड करूँगा स्टेटस बार को, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस स्लाइडर दिखेगा ये रहा। अगर नेवर शो पे कर देंगे, नेवर शो पे, तो यहाँ पे आपका दिखेगा ही नहीं। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो जो भाई ठीक ठाक है आप कह सकते हो एज अ। और ऑटो ब्राइटनेस भी इधर आपकी वर्किंग, ब्राइटनेस कंट्रोल भी इधर वर्किंग है आपका, तो आपको दिक्कत नहीं। हाँ गेस्चर्स में गए, सो आपका ये जो सिस्टम नेविगेशन है, यस एंड्रॉयड क्यू गेस्चर्स आर ऑल्सो वर्किंग और बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं आपको इन एंड्रॉयड क्यू गेस्चर्स, जो आपके नेविगेशन गेस्चर्स है ये आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथ है। ये कोई कोई होते भाई हल्का सा नेविगेशन में कभी कभार लैग होता है, जो आपके एंड्रॉयड के गेस्चर्स होते हैं कभी कभार लैग मिलता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप खुद देख सकते हैं बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको। फटाफट यहाँ पे दोबारा चले जाते हैं, ये रहा गेस्चर्स हो गया, और वो भी आपने सेट करना कर सकते हो, 2 बटन नेविगेशन हो गया या 3 बटन नेविगेशन हो गया यूज़ कर सकते हो, अगर आपको गेस्चर नेविगेशन करना है तो वो आपकी चॉइस है, बट भाई हमारा 3 बटन नेविगेशन ही परफेक्ट है। और ये गाइस टोटल आपके छोटा सा, ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है इस रोम में, बट स्टिल गाइस एज इफ यू वांट टू यूज़ दिस रोम एज अ डेली ड्राइवर, देन गाइस दिस रोम विल बी परफेक्ट फॉर यू विदाउट गेमिंग, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट विद गेमिंग, अगर विदाउट गेमिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो कोई आपको दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस ज़्यादा, देखो मैं वही कह रहा हूँ, लेने जो उसमें ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते परफॉर्मेंस की भाई आपको अच्छी खासी मिलेगी पबजी में, वो नहीं है चीज़ यार। कोई डेवलपर भाई पबजी के लिए रोम नहीं बनाता कि यहाँ पबजी उसमें सही चलेगी तो भाई रोम सही, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन भाई वो मेन रोम इसलिए आता कि भाई यूज़र उसको यूज़ करे एज अ डेली ड्राइवर उसकी रोम को, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत चीज़ देखी जाती है। और रोम्स इफ़ यू वांट टू ट्राई अदर रोम्स फॉर परफॉर्मेंस यू कैन यूज़ कॉर्वस और डोफेस्ट, नॉट डोफेस्ट बट कॉर्वस विल बी द परफेक्ट चॉइस फॉर परफॉर्मेंस, वो आप यूज़ कर सकते हो, बट डेली ड्राइवर की तरह गाइस ये रोम में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और ज़्यादा कुछ है नहीं कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, हाँ इधर OTA अपडेट्स व्हेनेवर इट विल बी अवेलेबल यू कैन अपडेट थ्रू इट गाइस, तो इधर आपसे अपडेट कर सकते हो, इधर से कहने का भी नहीं किया। और जो ज़्यादा यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है। नीचे कन्वर्जन जो भी चेंज करना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट स्टिल गाइस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डेली ड्राइवर की तरह परफेक्ट है यार, कोई आपको दिक्कत नहीं है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ कल से यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक डिसेंट है यार, 3000 mAh की बैटरी से और क्या एक्सेप्ट करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। 625 के स्नैपड्रैगन के साथ क्या करोगे, ज़्यादा क्या एक्सेप्ट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते भाई, तो ठीक ठाक है रोम, कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। हाँ एक प्रॉब्लम है, वो आपका नेटिव वीडियो कॉलिंग इज़ नॉट वर्किंग और आपका फेस अनलॉक तो टोटली रिमूव है, वो तो हम अलग उसको हटा दो। हाँ नेटिव वीडियो कॉलिंग है बट वो किसी भी एंड्रॉइड के रोम से वर्किंग नहीं है, तो वो भी चलो एक बग निकल आएगा। और तो इसमें गाइस मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई कि कैसे ये कह सकूँ कि भाई ये वर्किंग नहीं, वो वर्किंग नहीं। GCam यूज़ कर सकते हो आप, अभी तो वैसे GCam नहीं है, अगर आपको यूज़ करना आप कर सकते हो GCam, बहुत HyperX का अवेलेबल है, बहुत पे आपके पड़े हुए हैं, जो भी यूज़ करना आप कर सकते हो, 7.2 हो गया तो वो भी यहाँ पे आपका वर्किंग हो जाएगा। तो गाइस टोटल वीडियो थी, इफ यू वांट टू इंस्टॉल दिस रोम ऑन एन M1 इंस्टॉलेशन वीडियो लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। सो गाइस अगर वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, वीडियो को शेयर करना भूलना। एंड गाइस यस इन माय रिकमेंडेशन आई मीन इन माय ओपिनियन यू कैन यूज दिस रोम एज अ डेली ड्राइवर ऑन योर M1। ओके गाइस, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।